पाकिस्तान के शानदार बल्लेबाज बाबर आजम शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उनके इस शानदार फॉर्म को देखते हुए पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़कर नंबर एक वनडे बल्लेबाज बन पाएंगे, क्या वो ऐसा कर पाएंगे। और आखिरकार बाबर आजम ने विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट का नंबर एक का ताज हासिल कर लिया है। विराट कोहली इस वक्त आईपीएल के 14वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के बाबर आजम इस वक्त साउथ अफ्रीका के साथ बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं। तीन मैचों की वनडे सीरीज काफी शानदार रही, जिसमें बाबर आजम ने 76 की औसत से 228 रन बना डाले, जिसमें एक शानदार शतक और एक शानदार अर्धशतक भी शामिल है। इसी के साथ बाबर आजम के 865 अंक हो चुके हैं और वो वनडे क्रिकेट के नए नंबर एक बल्लेबाज हैं। विराट कोहली 857 अंकों के साथ दूसरे और 825 अंकों के साथ रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। आईसीसी ने ट्विटर पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की। साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज में फकर जमान के बाद बाबर आजम सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे और शानदार प्रदर्शन का उन्हें इनाम भी मिला है। बाबर ऐसा करने वाले चौथे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और मोहम्मद यूसुफ ने ये कारनामा किया है। पाकिस्तान ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। सीरीज के निर्णायक मैच में बाबर आजम ने 94 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि वनडे टीम में टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो चौथे पायदान पर न्यूजीलैंड के रॉस टेलर हैं और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच 5वें स्थान पर मौजूद हैं। वनडे सीरीज में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फकर जमान ने भी शानदार बल्लेबाजी की थी और रैंकिंग में उनको भी इसका काफी फायदा मिला है। फकर जमान ताजा रैंकिंग में 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प ये होगा कि बाबर आजम इस बादशाहत को आखिर कितने दिनों तक कायम रख पाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।